हेलो नमस्ते, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मैं पारुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आज के सेशन में, आज की क्लास में। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे और सेशन को एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर हिंदी नवजागरण के विषय में पढ़ रहे थे और यहाँ पर हिंदी नवजागरण के विषय में हमने काफी सारी चीजों को कर लिया था। ठीक है, नवजागरण के विषय में हमने जाना था यहाँ पर कि किस तरह यहाँ पर पश्चिमी देशों का प्रभाव पड़ा था हिंदी नवजागरण पर, साहित्य पे कैसे प्रभाव पड़ा। ठीक है, अगर धर्म में नवजागरण आया तो वह कैसे नवजागरण आया धर्म में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और जब धर्म में नवजागरण आया, ठीक है, धर्मों से नवजागरण की शुरुआत हुई, तो जब धर्म में नवजागरण आने पर यहाँ पर भाषाओं में परिवर्तन कैसे हुआ, कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग में लाई गई, कौन कौन सी भाषाओं की शुरुआत हुई, किस भाषा को अपनाया नहीं गया, किस भाषा में नई शुरुआत की गई, सारी चीज़ों पर कल हमने चर्चा की थी। तो इसमें भी हमने कल यहाँ तक चर्चा आप लोगों की कर ली थी। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कौन से देशों में नवजागरण शुरू हुआ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका हिंदी प्रदेश क्षेत्र जो, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम 10 मिनट के लिए करते हैं कल के सेशन पर, फिर हम आज आगे के सेशन को शुरू कर लेंगे, तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है इसमें तो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हिंदी नवजागरण के विषय में मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदी सॉरी भक्ति काल में कैसे आपका नवजागरण आया, तो भक्ति काल में जो नवजागरण दिखाई दिया वो किस तरीके से दिखाई दिया वो भी मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर भाषाओं का किस तरीके से प्रयोग हुआ, पहले धर्म जो था, पहले भक्ति का भाव कैसा था, उसके विषय में हमने जाना, और फिर बाद में जैसे ही नवजागरण शुरू हुआ, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर वैसे ही हमने सॉरी हाँ तो हम यहाँ पर क्या बता रहे थे आपको, भक्ति काल में नवजागरण के विषय में मैं आपको बता रही थी। तो भक्ति काल के नवजागरण के विषय में मैंने बताया कौन कौन सी धाराएं यहाँ पर आई भक्ति काल के नवजागरण के विषय में, तो जो धाराएं आपकी चली, ठीक है, भक्ति काल में जो नवजागरण आया, पहले जो भक्ति का स्वरूप था वो शुरू से कहा गया कि मूर्ति पूजा का यहाँ पर, ठीक है, भाव था, लेकिन जैसे ही नवजागरण आया थोड़ी सी बदलाव शुरू हुए, वैसे ही क्या हुआ, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी कवि आए, ठीक है, उन्होंने भी भक्ति का स्वरूप अलग बताया, कुछ कवियों ने भक्ति का स्वरूप अलग बताया, यानी कि भक्ति के भी कई सारे स्वरूप यहाँ पर क्या हो गए, देखने को आपको मिले, भक्ति के कई स्वरूप, जैसे कि कबीर दास जी की भक्ति आपको देखने को मिली, मीराबाई की भक्ति आपको देखने को मिली, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति देखने को मिली, मलिक मोहम्मद जायसी आपको देखने को मिले, यानी कि आपको सूफी काव्यधारा, ठीक है, संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, आपको सभी काव्य धारा में यहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिला। तो जब बदलाव, जहां पर भी बदलाव किया गया वो बदलाव देखने को मिला, वही बदलाव क्या था आपका, वही बदलाव तो नवजागरण है। और नवजागरण का अर्थ क्या है, पहले तो केवल अगर हम इसी एक शब्द के लिए अगर हम चर्चा करें, जैसे हमने पहली क्लास भी शुरू की थी तो मैंने नवजागरण के विषय में तब भी मैंने बोला था, तो ये नवजागरण जो एक शब्द है, आखिर ये नवजागरण का अर्थ क्या निकलता है। देखो, जागरण का अर्थ तो सीधे सिंपल आप समझ लेंगे साधारण तरीके से कि जागरण का अर्थ तो भाई जागना हो गया, ठीक है, और नव का अर्थ हो गया नया, तो नए तरीके से क्या हो गया, जागना हो गया, यानी कि जैसे जाग रहे हैं उसमें तो थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, नए तरीके से जागे, जैसे कि दाल तो डेली बन रही है घर में, दाल जो पक रही है वो प्रतिदिन पक रही है एक समय पे, मतलब डेली शाम को, प्रतिदिन शाम को क्या हो रहा है, आपके जो दाल बन रही है घर में, जो पकवान बन रहा है, दाल बन रही है, पकवान नहीं, दाल जो बन रही है वो डेली बन रही है, लेकिन वही दाल, ठीक है, दादी माँ ने आके क्या किया, दादी माँ ने आके दूसरे तरीके से बनाना शुरू कर दिया कि भाई अब इस दाल में स्वाद नहीं आ रहा है, अब दूसरे तरीके से दाल पकेगी, तो दूसरे तरीके की दाल जो थी वो पकाना शुरू किया, यानी कि पहले अलग तरीका दाल पकाने का, दूसरा दाल पकाने का अलग तरीका, यानी कि अब उस दाल पकाने के तरीके में भी क्या आ गया, एक नई खोज आ गई, एक नया तरीका आ गया, ठीक है, समझने की कोशिश करो, बस उसी तरीके से समझो नव जागरण को भी, है ना। तो हमने यहाँ तक उसको क्या किया था, यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया था, और फिर मैंने उसके बारे में बताया था कि नव जागरण को तीन स्वरूपों में देखा गया था, ठीक है, एक तो आपके 1857 का संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, एक तो स्वतंत्रता में भी आपका नव जागरण दिखाई दिया भारत हिंदू युग में, और फिर उसके बाद सरस्वती पत्रिका जिसके संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं किसके विषय में, जैसे आपका भक्ति काल की ही अभी चर्चा चल रही है ना, तो भक्ति काल में
आपके कई सारे कवियों ने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत में भक्ति का स्वरूप कब आया। भारत में भक्ति का स्वरूप पहले से तो नहीं था, ठीक है। भारत में भक्ति का स्वरूप जागृत जब हुआ, जब यहाँ पर क्या हुआ, जनता पर प्रताड़नाएं की जाने लगी, ठीक है। जनता पर प्रताड़नाएं कौन करने लगा, तो जनता पर जो प्रताड़ना हुई वो हुई इस्लाम के द्वारा, ठीक है। इस्लाम ने क्या किया, जनता पर प्रताड़ना करना शुरू कर दिया। और जब जनता पीड़ित तो होने लगी उन चीजों से, उनके कष्टों से जो वो यातनाएं दे रहे थे उनसे, तो परेशानी में व्यक्ति किससे याद करता है, परेशानी में व्यक्ति याद करता है माँ बाप को, ठीक है। आपको कोई परेशानी होगी तो आप किसे याद करोगे, आप माँ बाप को याद करोगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही जनता पर परेशानियां आई, ठीक है, आक्रमण होना, यातनाएं करना जैसे ही शुरू हुआ, परेशानियां आई, तो जनता ने किसको याद किया, तो जनता ने याद किया भगवान को, ईश्वर को। और जैसे ही ईश्वर की भक्ति में लगे, तो ये जो तथ्य कहा गया, ये कहा गया किसने, ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। तो उन्होंने इसको कहा। अब बात करते हैं यहीं पर किसके बारे में, डॉक्टर राम विलास शर्मा के बारे में। उन्होंने भी कई सारे तथ्य कहे, ठीक है, और जिनके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा नहीं करेंगे। रामविलास शर्मा के तथ्यों के बारे में हम आज चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने रामविलास शर्मा के बारे में कल हमने मुख्यतः रूप से चर्चा कर ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हम यहीं पर जोड़ेंगे भक्ति आंदोलन के बाद आपके स्वतंत्रता आंदोलन को भी, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि आपका 1857 की क्रांति कहेंगे या इसको विद्रोह कहेंगे, ठीक है, वो आप लोगों के लिए है, ठीक है। 1857 का विद्रोह कहते हैं, ठीक है। क्रांति ना मानते हुए बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ भी हैं जो इसको विद्रोह का नाम देते हैं, और बहुत सारे विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो 1857 को 1857 का विद्रोह ना मानते हुए क्रांति मानते हैं। तो वो हमारा पॉइंट नहीं है क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हम इतिहास की ओर केवल उतना ही जाएंगे जहां तक हमारा हिंदी का लगाव होगा, ठीक है, जहां तक हमारी चीजें हिंदी को हिंदी की ढाल बनेंगी, जहां तक हिंदी आएगी, केवल हम हिंदी साहित्य के विषय में यहाँ तक चर्चा करेंगे, ठीक। तो आपका जो आपका अगर 1857 के संग्राम की अगर हम बात करें, तो जब यहाँ पर धर्म की बात होती है, ठीक है, जब ये संग्राम हुआ, धर्म की जब बात हुई, तो धर्म की चर्चा जब हुई, तो धर्म की चर्चा में ऐसा नहीं है कि हिंदू अलग लड़े और मुस्लिम अलग लड़े, ऐसा नहीं हुआ 1857 की क्रांति में, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जबकि क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों ने, दोनों ने ही मिलकर एकदम भाईचारे के साथ क्या हुआ, इस स्वतंत्रता संग्राम को अंजाम दिया, ठीक है। ये जो स्वाधीनता संग्राम था इसको अंजाम दिया हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर। हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई शुरू हुई वो एक अन्य समय के बाद शुरू हुई थी, ठीक है, वो समय अलग था। जब ये लड़ाइयाँ शुरू हुई, जब हिंदू मुस्लिम में भेदभाव डाले गए, वो एक अलग समय आया था, वो दौर बहुत बाद में आया था। 1857 में वो दौर शुरू हुआ ही नहीं था, है ना, वो दौर शुरू हुआ बाद में, जब यहाँ पर धर्म की राजनीति की गई, धर्म को अलग कर दिया गया। जैसा कि जब हम गांधीवादी नवजागरण पढ़ रहे थे, तो मैंने गांधीवादी नवजागरण में भी पढ़ाया था, तो गांधी जी ने भी क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि भारत की लड़ाई धर्म की लड़ाई तो है ही नहीं। गांधी जी ने यही बात कही कि भारत की लड़ाई धर्म की लड़ाई तो है ही नहीं, भारत में जो लड़ाई है, भारत में जो झगड़े का कारण है वो है सांप्रदायिकता, ठीक है। यहाँ पर धर्म का कोई वही नहीं है कि धर्म के पीछे लड़ाई हो, भारत में धर्म की कोई लड़ाई नहीं है। जबकि भारत को समझा क्या जा रहा था, भारत में समझा जा रहा था कि यहाँ पर धर्म की लड़ाई है, जबकि धर्म की लड़ाई ना होते हुए किसकी लड़ाई थी, ऐसा कहने वाले कौन थे, गांधी जी थे। और अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है जिसमें हमने गांधीवादी दर्शन को पढ़ा था, तो आप उस सेशन को एक बार देखिए, तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, यानी कि आप सभी चीजों को क्या कर पाएंगे, आप सभी चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे, सभी चीजों को एक दूसरे से जोड़ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से चीजों को नहीं जोड़ेंगे, जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, आपके दिमाग में सारे तार नहीं जुड़ेंगे एक साथ, तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो वो दिमाग में वो सारे तार एक साथ जुड़ना आवश्यक है किसी एक महत्वपूर्ण पॉइंट को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वहां से आपको एक बार में चीजें क्लियर हो जाएं।
अगर वो चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप उसको पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। अब ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना है कि हम उसको छोड़ देंगे, नहीं, छोड़ना कोई औचित्य नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है। उसके बाद हमने हिंदी नवजागरण की समस्याओं पर चीजें क्या की थी, हिंदी नवजागरण की समस्याओं पर चीजें कल के सेशन में हमने छोड़ दी थी, ठीक है। और हिंदी नवजागरण की देखो समस्या यहाँ पर आपको पहली समस्या दिख रही है कि एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इसमें आई, ठीक है। यानी कि अब धर्म की समस्या को छोड़कर कौन सी समस्या यहाँ पर आ गई, सांप्रदायिकता की समस्या इसमें आई। और इसका कारण क्या था, अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है, ठीक है। जब मुस्लिमों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर दिया तभी से अंग्रेजों की नीति शुरू हुई, ठीक है। मैंने बोला था ना 1857 के कुछ समय तक तो आपको हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई दिखेगी ही नहीं, मैंने कहा था ऐसा, ठीक है। और वही बात देखो हिंदी नवजागरण की समस्याओं में आपको यहाँ पर दिखेगा। 1857 के बाद आया क्या, 1909, और 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल, मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल क्या हुआ, पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली शुरू की गई। और यहीं पर क्या आधार बन गया, हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता को तोड़ने का। ये हिंदू हो गए, ये मुस्लिम हो गए, और दोनों में क्या आ गई, फिर दोनों में आ गई भाई दरार, ठीक है। अब ये जो दरार आ गई है यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में, हिंदू, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गए ये मुस्लिम। अब दोनों में दरार आ गई किसकी वजह से, यहाँ पर अंग्रेजों की जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति थी, यानी उन्होंने ये तो सोच लिया कि हम मुसलमानों को संतुष्ट कर देंगे तो वो एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर यानी कि जो भारत है उसमें कोई दंगा कोई फसाद नहीं रहेगा, तो जब कोई दंगा कोई फसाद नहीं रहेगा ऐसा कौन सोचने वाले थे आपके अंग्रेज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी विवाद क्या रहे, फिर भी विवाद यहाँ पर चलते रहे। आगे यहाँ पर हिंदी उर्दू विवाद में ना केवल भाषा की भाषा में खाइयां, अब दरारें नहीं रही, अब वो दरारें किस में परिवर्तित हो गई, अब वो दरारें परिवर्तित हो गई खाइयों में, क्योंकि धीरे 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 करके अब भाई मान लो किसी व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक सीधा सा उदाहरण समझो, दो व्यक्ति हैं, दोनों ही बहुत प्रिय हैं एक दूसरे के। एक समय ऐसा आता है कि दोनों, ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता जब आजाद, मतलब देश जब आजाद हुआ, स्वतंत्रता संग्राम जब आंदोलन हुए और देश को जब आजादी मिली, ऐसा नहीं है कि केवल उसमें जो भाग लिया देश को आजाद कराने में केवल हिंदुओं का भाग लिया, केवल हिंदुओं के द्वारा यह संपन्न हुआ, या फिर हम कहेंगे कि नहीं मुस्लिमों, नहीं, सभी के सहयोग के साथ हम इसको मान के चलते हैं और आज तक मान के चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी और उर्दू विवाद ने ना केवल भाषा में खाइयां पैदा कर दी बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब कौन से दंगा शुरू हो गया, एक विवाद यहाँ पर हो गया भाषा का विवाद, दंगा नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे क्या, भाषा का विवाद भी यहाँ पर शुरू हो गया। और भाषा का विवाद भी किससे शुरू हुआ, आपका हिंदी से शुरू हो गया, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले सेशन में भी बताया था, पिछले सेशंस में ही मैंने बताया था कि भाई देखो भाषा की जो समस्या है वो शुरू से चली आ रही है। भारत की अभी तक अपनी कोई राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, क्योंकि विवाद ही पीछा नहीं छोड़ती है ना। कोई हिंदी को सभी लोग पूर्ण सहमति के साथ अपनी राष्ट्रभाषा नहीं मान रहे हैं, है ना। तो इसी यही कारण है कि अभी तक हिंदी अपनी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, ये भी एक मुख्य कारण है, क्यों, क्योंकि इस पे विवाद भी है। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हिंदी और उर्दू में दोनों में विवाद हो गया। पहले धर्म का विवाद था, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम, पहले क्या आ गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली आ गई, ठीक है, मुस्लिमों के लिए उनको संतुष्ट करने के लिए, उनके सहायता के लिए, उनके लिए एक नई पृथक निर्वाचन प्रणाली लेकर आए। उसी के बाद फिर तुरंत यहाँ पर कौन सा विवाद, उर्दू और हिंदी का विवाद भी आ गया। अब जब भाषा का भी विवाद आ गया, संस्कृति का विवाद आ गया, अलग होने का विवाद हो गया, तो जब एक साथ सारे विवाद मिल गए तो भाई दरार किस में परिवर्तित हो गई, दरार तो परिवर्तित खाइयों में होंगी ही, ठीक है। और जब ये भाषा की समस्या आई तो भाषा की समस्या को भी फिर किससे जोड़ दिया गया, उसको भी फिर धर्म से जोड़ दिया गया, और सांप्रदायिकता को क्या मिल गया, और बढ़ावा मिल गया। मान लो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल दे रही थी कि दो भाई हैं, ठीक है, और दोनों भाई बड़े समझदार थे, एक समय था जब बड़े समझदार थे, धीरे धीरे करके क्या आया, पड़ोसी का बेटा आ गया,
ठीक है, उनके घर में पड़ोसी के बेटे का क्या हो गया, आगमन हो गया, कभी वो चीनी लेने आ रहा है, कभी वो दूध लेने आ रहा है, कभी वो नमक लेने आ रहा है, और कभी आपकी मम्मी से शक्कर पारे लेने आ रहा है, कुछ भी लेने आ रहा है, ठीक है। धीरे 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 करके आपकी मम्मी ने उसे पूरी किचन दे दी कि भाई बेटा तुझे जो लेना है ना तू पूरा ले जा। तो व्यापार के लिए क्या किया ब्रिटिश ने, धीरे धीरे करके घर में आना शुरू कर दिया किसी किसी चीज के लिए, ठीक है। मम्मी कौन हो गई, मम्मी हो गई राजा। अब राजा ने धीरे धीरे करके शुरू कर दिया कि भाई तुझे जो करना है ना तू वो कर ले, खुली छूट दे दी। अब जब खुली छूट दे दी तो वो दो भाई तो भाई बैठ के देखेंगे ना, पहले तो उन लोगों का पूरा ही एक घर था ना, उसी ने क्या किया, जो तीसरा पड़ोसी का बेटा आया, धीरे धीरे करके उनकी भाषा, अब दो भाई हैं दोनों में अपनी अलग अलग, आपकी दोनों का अलग अलग क्या बोलते हैं क्वालिटीज होंगी, अलग अलग दोनों के गुण हैं, अलग अलग दोनों के भाव हैं। तो जब अलग अलग दोनों के भाव हैं तो दोनों के भावों को अलग अलग करके, दोनों को अलग अलग करके प्रस्तुत कर दिया कि देख तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। तो जब ऐसा वैसा करते हुए दोनों भाइयों में क्या हो गई, दरार आ गई। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, घर का क्या हो गया, घर में अलग अलग सारी चीजें हो गई। वैसे ये घर क्या हो गया, ये घर हो गया आपका देश, ठीक है। और इस देश में कौन थे, दो भाई हिंदू और मुस्लिम। इस देश में दो भाई कौन हो गए, एक भाई हो गया आपका हिंदू और एक भाई हो गया आपका मुस्लिम, ठीक है। ये दो भाई आपके हो गए। दोनों भाइयों में तीसरा देश, तीसरा व्यक्ति जो पड़ोसी था वो कौन हो गया, वो हो गया भाई ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटेन हो गया आपका, ये तीसरा हो गया, ये कौन है, ये पड़ोसी है। ब्रिटेन कौन है, पड़ोसी। मम्मी कौन थी, मम्मी थी राजा। मम्मी कौन हो गई यहाँ पर, मम्मी हो गई आपकी राजा। ये मम्मी कौन है, मम्मी या पापा कुछ भी मान लो, मम्मी या पापा आपके हो गए क्या, राजा। अब ये राजा ने इसको क्या किया, राजा ने इसको बोल दिया कि भाई तुझे जो लेना है, धीरे धीरे करके आना प्रारंभ हुआ। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि धीरे धीरे उसने आना प्रारंभ कर दिया तो क्या हो गया, देश में क्या हो गई, खलबली आपकी मच गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिल गया, धर्म से भाषा को भी जोड़ दिया गया, ठीक है। और फिर ऐसा नहीं है कि भाषा के विवाद में अगर हम बात करें तो हमारे स्टेट जो भी हैं और अदर जो स्टेट हैं, अदर अलग जो राज्य हैं, हमारे जो राज्य हैं उन्होंने विवाद नहीं किया। जब गांधी जी ने बोला कि हमारे देश की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, तब यह विवाद और बढ़ गया, ठीक है। हालांकि ये जो विवाद बढ़ा ये आपका बड़ा आजादी के समय पे, ठीक है, 45 से लेकर आपका विवाद ये शुरू हो गया, भाषा का भी विवाद यहाँ पर बहुत चला। चलो खैर, ये हमारी भाषा के ऊपर चर्चा करने वाली बात नहीं है, हमारे जो तथ्य चल रहे हैं वो नव जागरण के विषय पर चल रहे हैं, ठीक। पर ये है कि बहुत सारी चीजें जब भी हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी चीजें हम उनको क्या करते हैं, उनको समझते हुए हम चलते हैं, ठीक है। और विषय हमारा हिंदी साहित्य है तो हम बड़े आसानी से हिसाब किताब से धीरे धीरे करके सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि रेलगाड़ी की तरह, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलती हूँ, सभी बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे से ही हम पढ़ते हुए चीजों को सीखते हुए हम चलेंगे। यहाँ पर बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण, यानी कि भारत देश कैसा है, बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण प्रतिकूल से प्रभावित रहा। मैंने जैसा कि अभी कहा भी आप लोगों से, ठीक है, भारत में क्या है, बहुत सारी भाषाएं हैं, आप किसी भी क्षेत्र में चले, बोलियां अनगिनत, ठीक है, वैसे 436 से अधिक बोलियां बताते हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, गिनती में बोलियां बहुत हैं। बहुभाषी देश, हर एक राज्य में चले जाइए, हर एक कोने में चले जाइए, एक नई भाषा राज्य की, एक नई बोली आप लोगों को हर जगह पर, हर स्थान पर परिवर्तित होते हुए मिलेगी। तो जब भाषा के बारे में अगर हम बात करें, राष्ट्रभाषा का सवाल उठा, ठीक है, हिंदी नवजागरण में क्या हुआ, यह प्रतिकूल रूप से क्या रहा, प्रभावित रहा, यानी हिंदी भाषा का जो विवाद था, हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए जो चर्चा थी वो भी बहुत अच्छे से प्रभावित रही, बहुत अच्छे से विवादास्पद रही। काफी सारी चीजें, काफी सारे मोड़ इस आंदोलन ने भी लिए, जब इस वार्तालाप ने भी लिए, जब हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है, हालांकि वो निर्णय पूर्ण नहीं हो पाया था। आगे यहाँ पर 19वीं शताब्दी का नव जागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है।
अब हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा नवजागरण है वो कौन सा है? 19वीं शताब्दी का नवजागरण, जिसमें एक ओर क्या है, एक ओर भारतीय सामाजिक संस्कृति, ठीक है, तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति, ठीक है। आप सामायिक संस्कृति मान लो, सामासिक संस्कृति मान लो, ठीक है, और दूसरी कौन सी संस्कृति, दूसरी जो पाश्चात्य जो पुरानी संस्कृति है वो। अब जब भारत में नव जागरण की अवधारणा आ रही है, जब भारत में नव जागरण हो रहा है, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी नव जागरण हो रहा है, तो प्रभाव क्यों नहीं होगा? दो चीजें होती हैं। नया बदलाव लाने के लिए कोई एक व्यक्ति है, सालों से, मान लो मम्मी का ही उदाहरण देते हैं, सबसे बेहतरीन उदाहरण है, इस समय मम्मी के ही उदाहरण बहुत आ रहे हैं मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो मान लो हमारी मम्मी बहुत दिन से साड़ी ही पहनती हैं, बहुत दिन से साड़ी ही पहन रही हैं, सालों साल उन्हें साड़ी पहनते हुए हो गया, ठीक है। अब मैंने उनको बोला कि मम्मी आप सूट पहनना स्टार्ट करो, मैंने उनके जीवन में क्या किया, एक नए जागरण की धारणा डाल दी कि अब आप सूट पहनना स्टार्ट करेंगे। मैंने उनको सूट पहनाया, कुछ दिन में वो सूट क्या हुआ, मुझे पहले दिन अच्छा नहीं लगा, मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि बदलाव मैंने शुरू किया, लेकिन बाकी के लोगों को वो बदलाव थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो पुराना संस्कृति चला आ रहा था, जो पुरानी संस्कृति थी, साड़ी वाला जो रिवाज था, वो संस्कृति ज्यादा पसंद आ रही थी, ठीक है। अब जब ये संस्कृति और वो संस्कृति जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलेंगी, तो थोड़ी तो क्या होगी, टकराव दोनों में होगा ही, है ना। तो यही टकराव था किसमें, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी। पश्चिमी जो प्रभाव था वो हिंदी साहित्य पे भी देखने को आपको मिला। कैसे देखने को मिला, जैसे अगर हम बात करें श्रीलाल शुक्ल के विषय में, तो उन्होंने भी क्या किया, कई सारे जो आपके अंग्रेजी साहित्य थे उनका अनुवाद हिंदी में किया, उन्होंने पश्चिमी साहित्य उठाए और हिंदी में यहाँ लाके अनुवाद करके यहाँ पर प्रकाशित होना शुरू हो गया। तो ये एक तरीके का बदलाव है या नहीं है, ये भी तो एक बदलाव के रूप में ही माना जाएगा ना। तो यहाँ तक चीजें मैं मानती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलो आगे, इस समय भारतीय संस्कृति आध्यात्म प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ठीक है। भारतीय संस्कृति आध्यात्म प्रधान और मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, दो दौर यहाँ पर चल रहे थे, एक तो मध्यकालीन दौर जो चल रहा था वो भी चल रहा था, पाश्चात्य संस्कृति भी चल रही थी यहाँ पर, वैज्ञानिक मशीनी क्रांति, औद्योगिकरण, पूंजीवाद, भौतिकवाद, सभी चीजें क्या हुई, सभी चीजें एक दूसरे, सभी चीजें क्या कर रही थी यहाँ पर, प्रतिनिधित्व कर रही थी, यानी कि एक जगह यहाँ पर क्या कर रही थी, अपने आप को दर्शा रही थी, सभी चीजें अपने आप में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो रही थी, ठीक है। तो ये वो समय था जब नव जागरण शुरू, एकदम बोलते हैं कि ये वो समय था जहां पर क्या हुआ, नव जागरण का एक नया नया दौर आना शुरू हो गया था, एक और नया दौर जहां शुरू हो गया था, ठीक। आगे यहाँ पर उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। अब यहाँ पर आध्यात्मिक पक्ष की अगर हम बात करें तो आपको आध्यात्मिक पक्ष तो वैसे भी कमजोर दिखेगा, ठीक है। उसके पास क्या थी, वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, अलौकिक मानसिकता थी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तात्कालीन भारतीय समाज के लिए अनार्जित थे, ठीक है। कौन सी शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, किसकी बात हो रही है, वो जो आपका दूसरे देश से आया, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, जो चीजें बाहर से आई वो देश को प्रभावित कर रही थी, जो नव जागरण आया वो क्या था, आध्यात्मिक पक्ष में तो कमजोर था लेकिन उसके पास तर्क थे, शक्ति थी सोचने की, कुरीतियां जो थी उनमें बदलाव लाने के लिए तर्क थे उनके पास, ठीक है। शिक्षा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण समझा, ठीक है। न्याय के लिए क्या किया उन्होंने, न्याय को आगे बढ़ाने की कोशिश की, न्याय हर पक्ष में, चाहे वो शोषित वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, सभी पक्षों में क्या किया, सभी पक्षों में यहाँ पर न्याय व बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो उस समय का जो भारतीय समाज था, वो भारतीय समाज उन चीजों को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था, है ना।
दो तरीके के समाज उस समय बट गए थे। एक वो समाज था जो उन चीजों के लिए तैयार था अपनाने के लिए, और एक वो बड़ा वर्ग जो उन चीजों को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। दो वर्गों में समाज एक तरीके से हम कहेंगे कि बटा हुआ था। जैसे किसान वर्ग है, ठीक है, जैसे आपका मजदूर वर्ग हो गया। अब पूंजीपतियों के लिए जो चीज अच्छी है वो उनके लिए सदा ही अच्छी रहेगी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो नीचे वाला वर्ग है वो कभी ऊपर आए। क्या चाहेंगे कि किसान वर्ग कभी ऊपर आए? नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो उन पर अधिकार जमाए हुए बैठे थे, है ना। तो जो अगर किसी पर अधिकार जमाए हुए बैठा है, वो कैसे सोच लेगा, वो कैसे कर लेगा कि एक नई चीज उत्पन्न हो, एक नई चीज आए? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। चलो आगे। इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता तो सीखी, भौतिकता सीखी, तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। ठीक है, दोनों की टकराहट से देखो भारतीय संस्कृति में क्या आ गया, बदलाव आ गया। अंग्रेजी शिक्षा को, हालांकि जब अंग्रेजी शिक्षा आई, ठीक है, जब अंग्रेजी शिक्षा आई, जब पश्चिमीकरण हुआ, तो यहाँ पर गांधी जी के अगर संदर्भ में मैं बात करूं, तो गांधी जी ने यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा के लिए मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकारा नहीं। अंग्रेजी शिक्षा को क्यों नहीं स्वीकारा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो भाषा है वो तो हिंदी है, तो हम हिंदी में ही क्यों नहीं करते। और साथ में उन्होंने कहा कि जो शुरुआती जो शिक्षा है, एक बालक है उसको शुरुआती जो शिक्षा देनी है, वो शुरुआती जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए वैल्यूज की, मोरल्स की, नैतिकता होनी चाहिए उसके अंदर, मूल्य होने चाहिए एक बच्चे के अंदर। तो वो सारी चीजें गांधी जी ने कहा कि ये सारी चीजें होना आवश्यक है। तो बहुत सारी चीजें थी जो गांधी जी स्वीकार नहीं करते थे, अगर हम उनके परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि नवजागरण हमने उनके परिप्रेक्ष्य में देख लिया है, इसलिए आपको लगेगा कि जब भी मैं गांधी जी का नाम लेती हूँ, इसके बाद हम मार्क्सवादी भी देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम अंबेडकर दर्शन को भी देखेंगे, सभी के विषय में चर्चा करेंगे कि सभी लोग क्या कहते थे और क्या सोचते थे, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से सारी चीजों को पढ़ते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ तक चीजें आप लोगों को आशा करती हूँ कि क्लियर हो गई होंगी। तो साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति क्या रही? तो किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूपों में दिखाई देती है। कौन कौन से विशेष रूप हैं यहाँ पर? आत्म मूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है, क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्म मूल्यांकन करता है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आपके सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी आया है, आपको उसका पहनावा बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लड़कियों का उदाहरण ले लेते हैं, सबसे बढ़िया, इससे अच्छा उदाहरण तो कोई देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई लड़की है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है, एक और लड़की सामने आई है उसके घर के सामने रहने के लिए, उसको उसका पहनावा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भा रहा है उसको उसका पहनावा, ठीक है। मान लो नहीं भी भा रहा है, ठीक है, मान लो नई भी भा रहा है, दोनों ही चीजें बात करते हुए चलती हैं, तो दूसरी वो क्या कर रही है, वो उसे परिचित तो हो रही है, वो उसको जान तो रही है कि हाँ एक ये भी पहनावा है, हाँ एक ये भी तरीका है, एक ऐसे तरीके के भी कपड़े पहने जाते हैं, इस तरीके से भी बैठा उठा खाया पिया जाता है, ये भी भोजन है, ये भी कपड़े हैं। यानी कि क्या हो रहा है, जो परिचित होने पर अब समाज में क्या हो गई, तुलना आत्म मूल्यांकन करता है, ये कहा है। तो अब व्यक्ति क्या करेगा, दोनों से क्या करेगा, अपनी चीजें और उनकी चीजों को, दोनों को तुलना करता है। समाज का स्वाभाविक सा गुण है, स्वाभाविक सा स्वाभाविक है, ये एक कहेंगे ये एक अपने आप में एक व्यवहार है समाज का, ठीक है। क्या? आत्म मूल्यांकन करना अपने आप में हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, और व्यक्तियों से मिलकर बनता है समाज, ठीक है। आप में समाज है क्या? आप में तुम चार लोग और मिलकर क्या बना रहे हैं, एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। अभी आत्म मूल्यांकन भी कौन करेगा? समाज करेगा, यानी कि हम तुम जैसे लोग ही करेंगे इस मूल्यांकन को। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक। चलिए आगे। यहाँ पर इसके साथ साथ आत्म आलोचना तथा आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्यतः पनपती है, क्योंकि अपनी कमियों को पहचान कर उन पर चोट करना तथा कुछ नई चीजों को सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है, ठीक है। अपनी कमियों को पहचानना, भारत में बहुत सारी कुरीतियां थी, ठीक है, उन कुरीतियों को हटाने के लिए, जैसे कि आपका सती प्रथा है, ठीक है, बाल विवाह है, ठीक है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, ठीक है, बहुत सारी, जैसे कि भ्रूण हत्या भी थी, ठीक है,
विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, काफी सारी चीजें, कुरीतियां जो थी केवल हम उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो अब जो कमियां थी वो पहचान कर उन पर क्या करना, चोट करना, उन पर बात करना, सीधे से समझो, और फिर उनको छोड़कर हमें कुछ नई सी चीजें सीखना, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में बहुत सारी नई चीजों को सीखना। इस तरीके की स्थिति क्या होती है, इस तरीके की स्थिति स्वाभाविक होती है। कोई भी नई चीज घर में आ रही है उसको बार बार से देखना, सीखना, ठीक है, या फिर उसको हटा देना, फिर उसको अपना लेना, तो ये सारी चीजें एक अलग मोड़ लेकर आती है, एक अलग माध्यम होता है, एक अलग चीजें हैं जिनसे व्यक्ति सीखता ही सीखता है। बालक को देखो, छोटे बालक को समझो, आप उसके सामने कुछ भी नई नई चीजें लेके आएंगे, आप कुछ भी नया भी बोलेंगे, ठीक है, तो भी वो आपको ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके पास जो अपनी चीजें हैं वो, मतलब बहुत छोटा बालक मतलब ऐसा बालक जो अभी सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, एक ऐसे व्यक्ति के विषय में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। चलो आगे, यहाँ पर खड़ी बोली आंदोलन शुरू हुआ। अब खड़ी बोली आंदोलन, खड़ी बोली को सबसे पहले अपने साहित्य में अपनाने वाले कौन थे, अमीर खुसरो थे, जिन्होंने खड़ी बोली को सबसे पहले अपने साहित्य में अपनाया, अपने साहित्य की भाषा बनाई। कौन? अमीर खुसरो। 19वीं शताब्दी से पहले खड़ी बोली की रचनाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, लिखा भी है। इसके बाद आता है कौन, फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसी भूमिका निभाई? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1803 ईस्वी में लिखी गई लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, सदल मिश्र की रचना चंद्रावती और नासिकेतोपाख्यान, ठीक है, कौन कौन सी, नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचनाएं हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सदासुख लाल नियाज व इंशा अल्लाह खां का नाम गद्य लेखकों के रूप में क्या मिलता है, विख्यात मिलता है। आगे, खड़ी बोली की गद्य परंपरा में इनमें पहले चंद छंद वर्णन की महिमा गंग द्वारा, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी द्वारा, और साथ में पदम पुराण वचनिका किसके द्वारा, दौलत राम का भी नाम आता है, यानी कि पदम पुराण के रचयिता कौन है, दौलत राम, इनका भी नाम आता है। अच्छा, लिखा हुआ है दौलत राम, इनका भी नाम आता है, लेकिन इनकी प्रामाणिकता के विषय में क्या है, इनकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। आप इनकी प्रामाणिकता के विषय में इसलिए संदेह है क्योंकि 1803 ईस्वी में लिखी गई लल्लू लाल की तो रचना प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ठीक है, चंद्रावली, ये सारी रचनाएं किसमें लिखी गई, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, तो इसलिए यहाँ पर इनका क्या है, यहाँ पर इनको महत्वपूर्णता दिखाई जाती है, ये यहाँ पर लिखी हुई आपको मिलती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इनके बारे में ऑथेंटिकेशन है, यानी कि ये यहाँ पर लिखी हुई है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे भाषा योग वशिष्ठ की राम प्रसाद निरंजनी द्वारा, जो कि यहाँ पर पदम पुराण वचनिका है, दौलत राम के द्वारा लिखी हुई है, और यहाँ पर आपकी कौन सी चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि किसके द्वारा, कवि गंग के द्वारा लिखी हुई है, ये लिखी तो हुई है खड़ी बोली में, लेकिन अभी इनका कोई भी प्रामाणिकता नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रामाणिकता, मतलब इनके जो प्रामाणिकता है उसमें क्या है, उसमें अभी संदेह बना हुआ है, ठीक है, कि ये इस दरमियान लिखी गई थी या नहीं लिखी गई थी, ठीक है, इस तरीके से। आगे, यहाँ पर सदासुख लाल की रचना सुख सागर के आधार पर शुक्ल जी ने उनकी भाषा की क्या की है, प्रशंसा की है। हालांकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस रचना के संबंध में भी क्या व्यक्त किया है, इस रचना के संबंध में भी संदेह व्यक्त किया है, बहुत सारे ऐसे विद्वान भी हैं। फिर आती है रानी केतकी की कहानी, जो कि किसके द्वारा लिखित है, इंशा अल्लाह खां के द्वारा। तो रानी केतकी की कहानी के विषय में उदयवान चरित्र के आधार पर शुक्ल जी ने इसकी भाषा को चारों लेखकों में चटकीली मटकीली और मुहावरेदार भाषा कहा है। कैसी कहा है? चटकीली मटकीली और मुहावरेदार, यानी कि इस जो रानी केतकी की कहानी उदयवान चरित्र में यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है, चटकीली भाषा का प्रयोग किया गया, मटकीली भाषा का प्रयोग किया गया है। और आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय उपयुक्त चार लेखकों को है, ठीक है, आरंभिक हिंदी का रूप, एक नई हिंदी को एक आरंभिक रूप देने का श्रेय किसको जाता है, इन चारों लेखकों को जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक तो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और क्लियर हो गई होंगी, और आगे की जो चर्चा करेंगे हम बहुत सारे टॉपिक्स पर आगे की, जैसे अदालती भाषा को लेकर संघर्ष क्या रहा,
ठीक है, भाषा साहित्य में कौन सी शुरू हो गई फिर? ठीक है, किस किस ने क्या रचनाएं की? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो युग था, ठीक है, शुरू हुआ द्विवेदी युग, वहां पर कौन सी भाषाएं शुरू हुई? सरस्वती पत्रिका का जब संपादन हुआ तो उसमें क्या क्या व्यंग्य आए, क्या क्या लिखा गया, सारी चीजों पे, वहां से नवजागरण कैसे बना, वो सारी चीजों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे की चीजों के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच साथियों, राधे राधे। इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे साथ डेली सेशन में शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच।